हेलो एवरीवन दिस इज सिद्धार्थ पटेल वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमने फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है कि फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की कैसे डिटरमाइन होती है बेसिकली हमने इंडिया को कंसिडर करके करा था कि इंडिया की जोग्राफी इंडिया का कल्चर ठीक है इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कैसे हेल्प करते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके थे अब हमें देखना है कि फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है उसके पीछे भी तो एक बहुत बड़ी बॉडी होती होगी ना फॉरेन पॉलिसी हमने जो कंसिडरेशन इतनी सारी देखी थी तो वो तो हमने देखा कि इसको देख के फॉरेन पॉलिसी बनती है अब हमारा जो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक है ठीक है वो है कि फॉरेन पॉलिसी बना कौन रहा है इस देश की हम उसके बारे में बात करेंगे तो बेसिकली आपको इंस्टीट्यूशन का मतलब पता होगा इंस्टीट्यूशन जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशन में क्या हुआ पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन है ठीक है इंस्टीट्यूशन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कैबिनेट इंस्टीट्यूशन है मीडिया भी फॉरेन पॉलिसी में इंफ्लुएंस करता है कि फॉरेन पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट होनी चाहिए बिजनेस ग्रुप ये सारी चीजें इसमें आएगा इस वीडियो में कवरअप होगा कि इनके थ्रू कैसे फॉरेन पॉलिसी बनती है ठीक है आपको अब इंस्टीट्यूशन का मतलब भी पता है आपको फॉरेन पॉलिसी का भी मतलब पता है एंड फॉर्मुलेशन मतलब मैंने बता ही बता ही दिया आपको कि कैसे फॉरेन पॉलिसी बनती है कंट्री की ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंस्टीट्यूशन आर द इम्पॉर्टेंट वाइल इंस्टीट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट वाइल फॉरन पॉलिसी फार्मुलेशन इंस्टीट्यूशन डिसाइड द फाइनल कॉन्टूर ऑफ फॉरन रिलेशन ऑफ द स्टेट ठीक है इंस्टीट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इन्हीं को बनाना है और फॉरेन पॉलिसी हमेशा एक इंस्टीट्यूशन से नहीं बनती फॉरेन पॉलिसी के पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं ठीक है हम ऐसा सोचते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला वो फॉरेन पॉलिसी बन गई तो वो सही नहीं है उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत सारी कंसिडरेशन होती है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं ठीक है फॉरन पॉलिसी को एक शेप देने में ठीक इतना आपको क्लियर हुआ इंस्टीट्यूशन एंड द क्वालिटी ऑफ देयर कंसल्टेशन फंक्शनिंग ऑफन इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ रेशनैलिटी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय स्टेट एक्टर्स इन फॉरेन एरिना एंड इंटरनेशनल इवेंट्स ठीक है बहुत सारी कंसल्टेशन होता है बहुत सारे इनके फंक्शनिंग से फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है वो आपको भी आगे समझ में आएगा जब हम एक एक इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छे से देखेंगे अब सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में हम जिसको पढ़ेंगे वो है कैबिनेट कि फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा रोल किसका होता है कैबिनेट का होता है हम देखते हैं कि कैबिनेट का रोल होता है कैबिनेट क्या है प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं ठीक है थीके? जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं वो है कैबिनेट का पार्ट ये हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं ठीक है पार्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव हैव मेजर से इन फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन इनका सबसे बड़ा से होता है ठीक है जो मेजर होते हैं लाइक डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑफकोर्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ठीक है जो हमारे फॉरन मिनिस्टर है इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का काम होता है लेकिन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के अलावा उन्हें डिफेंस मिनिस्टर से कंसल्ट करना पड़ता है ठीक है अगर कोई डिफेंस डील वगैरह फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्ट करना पड़ता है लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे उस देश से फाइनेंशियल रिश्ते क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं वो हेल्प करते हैं एंड दैट दैट टू हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ठीक है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ये फॉरन पॉलिसी के उसमें हेल्प करते हैं कैबिनेट कैबिनेट आल्सो हैव कोर कोर कंसल्टेटिव कंसल्टेटिव ग्रुप ग्रुप अब मतलब क्या क्या हुआ देखो क्या अपने आप इतनी सारी चीजें सोच लेता है नहीं ना हमने ये, हमने ये ये देखा है कि कैबिनेट के नीचे बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं ठीक है डेप्यूटी सेक्रेटरी सेक्रेटरीज ठीक है कुछ उनके एडवाइजर्स होते हैं पर्सनल एडवाइजर होते हैं तो उसे बोला गया है कोर कंसल्टेटिव ग्रुप ये आपको भी पता है कि इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं जो इनकी मदद करते हैं ठीक है थीके? अगर हम किसी भी मिनिस्टर से कोई भी चीज़ पूछे तो उन्हें उतना नहीं पता होगा उन्हें बता कौन रहा है वो सारी चीजें उनके अंडर में जो सेक्रेटरीज हैं ये वो सारी छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं तो उसका मतलब हुआ कैबिनेट ऑल्सो है कैबिनेट एट बेस्ट अ मार्जिनाइड रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरन पॉलिसी ठीक है इन प्रैक्टिस सी सी एस इज ऑफन डोमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर अब जो कोर कंसल्टेटिव ग्रुप होता है उसमें डॉमिनेट तो हमेशा ही करेंगे अगर आप Council of Ministers में भी देखें, तो डॉमिनेट कौन करता Head तो वही है भैया ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो वही है तो डॉमिनेट तो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं चाहे फिर सेक्रेटरी हो चाहे जितने भी मिनिस्टर हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर की विल होनी चाहिए ठीक है प्राइम मिनिस्टर की विल होनी चाहिए कि उस, उस, जग, उस कैसे रिश्ते रखने है। ठीक है क्लियर हुआ देन By 1990, with the arrival of coalition era, the key foreign policy decisions were subjected by relatively more extensive consultation with the cabinet. Example, AIADMK and DMK on Sri Lanka issue. लेकिन अब जब हम coalition politics देखते हैं, तो इस cabinet के साथ-साथ में इन्हें और भी ज्यादा consultation करनी पड़ती है, जैसे उन political parties से. ये हम जब foreign policy के determinants पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ये Sri Lanka वाला बहुत अच्छा example दिया था, उसे से याद करने की कोशिश कीजिए कि जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आती है जब कोयलेशन गवर्नमेंट होता है तब इन मिनिस्टर्स को उनसे भी कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है वरना क्या होगा वो बोल देंगे कि हम अपना हम आपको अब वोट नहीं देंगे हम अपना समर्थन आपको पार्लियामेंट में नहीं देंगे एक तरीके से वो सरकार पे दबाव बनाते और सरकार को हमेशा क्या रहना है सरकार को हमेशा अपने नंबर्स मेंटेन करने होते हैं ना नंबर मेंटेन करना होता है पार्लियामेंट में तो गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी पड़ती है तो नाइनटीन के बाद में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का भी से है क्लियर है देन सेकेंड जो हम बात करेंगे वो है पार्लियामेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी हमने कैबिनेट की बात करी अब पार्लियामेंट भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करती है पार्लियामेंट का भी रोल होता है कि फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से शेप होगी ठीक है तो पार्लियामेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है तो उसमें हम कंपेयर करेंगे यूएसए से और इंडिया से ठीक है तो यूएसए में क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ठीक है अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको वहां पे पास होना जरूरी है ठीक है वहां से अप्रूवल होगा ये कोई भी डिसीजन लेंगे तो वहां से अप्रूव होना जरूरी है ठीक है एंड एग्जीक्यूटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है लेकिन इंडिया में क्या होता है एग्जीक्यूटिव इज पार्टली डिराइव फ्रॉम लेजिस्लेचर प्राइम मिनिस्टर सिस्टम हमारे यहाँ प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर खुद खुद पार्लियामेंट का हिस्सा ठीक उनके पास नंबर है लोकसभा में तो यहां पे हम देखते हैं कि इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है तो ये अपनी कोई भी बात ये लोकसभा में अगर कोई भी बात वगैरह है तो ये आसानी से वहां से जीत जाते हैं जीत जाते है, मतलब इनके पास नंबर होता है क्लियर देन एग्जीक्यूटिव मेक अ फॉरन पॉलिसी साइन एग्रीमेंट एंड इवन डिक्लेयर ऑफ वार एंड डज नॉट नीड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट का एक तरीके से इतना रोल नहीं है जितना कि कैबिनेट का है अगर हम एक तरफ हम पार्लियामेंट को रख दें और एक तरफ अगर हम रख दे हमारे एक्सटर्नल हमारे कैबिनेट ही समझ लो कैबिनेट हैडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ठीक है, है मिनिस्टर और एक तरफ पार्लियामेंट तो हमारे यहाँ फॉरन पॉलिसी में इनका रोल ज्यादा है प्राइम मिनिस्टर हैडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट का रोल ज्यादा है कंपेरेबल टू पार्लियामेंट क्योंकि हर लॉ फॉरेन पॉलिसी की हर चीज पार्लियामेंट में आके उनको पास करवाने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट इन सरकम एक्सेप्ट इन एक्सेप्ट इन कुछ सर्कमस्टेंसेज एक्सेप्ट इन सम वो कौन कौन सी होती है सर्टेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सीडिंग इंडियन टेरिटरी ठीक है अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमें करना है जिससे कि इंडिया की थोड़ी सी टेरिटरी हमें दूसरी कंट्री को देना तो उसमें पार्लियामेंट की जरूरत होती है क्योंकि यहां पे देश की सोवरानिटी और इंटीग्रिटी की बात आ रही है आप इंडिया का थोड़ा बहुत हिस्सा अगर आप एक भी जमीन एक एकड़ एक थोड़ी सी दो तीन इंच भी जमीन दोगे तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा ठीक है वो प्राइम मिनिस्टर अपने मन से नहीं कर सकते हैं अब अगर ऐसा होगा कि अगर कोई ट्रीटी वगैरह साइन हुई जैसे बांग्लादेश से हमारा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ और यह होता है कि हमें थोड़ी सी हमारी जमीन उनको देना है ठीक है तो हमें पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी लगती है दैट इज टू थर्ड ऑफ द मेजोरिटी जैसे कि हमने देखा था कि लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट डीले हुआ था 2010 से 2013 के बीच में, जो कि हमें बांग्लादेश से पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत पड़ी बाकी हम ज्यादातर देखते हैं तो ज्यादातर पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है यहां पे ज्यादातर डोमिनेंट रोल कौन प्ले करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर है नौ फर्दर ऑपरेशनलाइजिंग सर्टन की फॉरन पॉलिसी एग्रीमेंट्स में रिक्वायर पैसेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉज एज वेल विच इज द एक्सक्लूसिव प्रेशर ऑन द लेजिस्लेचर एंड वुल देयर वाय गिव एन इनडायरेक्ट रोल टू पार्लियामेंट इन फॉरन पॉलिसी डिसीजन अब एक मिनट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तब आपको और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें ठीक है एग्जाम्पल वाइल साइनिंग इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील ऑफ 2008 थाउजेंड एट अ पार्लियामेंट्री अप्रूवलियर लाइबिलिटी लॉ विच वॉज अंडर पार्लियामेंट्री रिजिक्शन एंड पास ओनली इन टू थाउजेंड ट्वेल्व अब यहाँ पे बोला गया है कि देखो हमने ये बात कर ली कि ज्यादा पावर किसके पास में हमने ये बात कर ली कि ज्यादा पावर है कैबिनेट के पास में ठीक है ज्यादा पावर किसके पास में हमने ये बात करी कि ज्यादा पावर कैबिनेट के पास में जस्ट ठीक है कैबिनेट के पास में ज्यादा पावर है कंपेरेबल टू पार्लियामेंट कंपेरेबल टू पार्लियामेंट क्योंकि कैबिनेट कोई भी डिसीजन ले सकते हैं ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं ठीक है सर हर, हर चीज में पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है कुछ कुछ मैटर्स में लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जैसे इंडिया और यूएसए का एक जो न्यूक्लियर डील हुई थी जब हम इंडिया इंडो यूएस रिलेशन पढ़ेंगे तब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी आप समझिए थोड़ा सा ब्रीफ में उसको समझने की कोशिश करो ठीक है हुआ ये था कि वहां से इंडिया और यूएसए की न्यूक्लियर डील हुई थी तो वहां पे पार्लियामेंट की पार्लियामेंट में सिर्फ उस चीज़ का क्या हुआ डिस्कशन वगैरह हुआ वहां पे कोई इतना ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि उसे पार्लियामेंट से उस डील को पास करवाना पड़ेगा लेकिन साथ साथ कुछ डील ऐसी भी होती है देखो कुछ डील ऐसी होती है कि हमने फॉरेन में एक एग्रीमेंट साइन किया ठीक है मैंने यूएसए के साथ में मतलब इंडिया ने यूएसए के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन किया कि चलो हम इतने मतलब जो भी है कि ऐसा ऐसा अपना एग्रीमेंट है ये टर्म्स एंड कंडीशंस है लेकिन हो सकता है उस एग्रीमेंट का एक हमें डोमेस्टिक लॉज भी लाना पड़े डोमेस्टिक लॉज मतलब कि जिससे कि वो एग्रीमेंट बहुत अच्छे से फुलफिल हो सके ठीक है जिससे कि वो वाला एग्रीमेंट इंडिया में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके तो हो सकता है उस एग्रीमेंट के बदले हमें कुछ डोमेस्टिक लॉज लाना पड़े उस एग्रीमेंट में जो प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डोमेस्टिक लॉज लाना पड़े तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी तब हमें जरूरत पड़ेगी पार्लियामेंट के अप्रूवल की क्लियर हुआ ठीक है जिसे नहीं समझ में आया बिल्कुल लोड मत लेना जब हम लोग इंडो यूएस रिलेशन पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर तब आपको और अच्छे से ये चीजें क्लियर होगी ठीक है प्लस अब दूसरी बात करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर डिसीजन कैबिनेट लेते हैं लेकिन भले कैबिनेट डिसीजन ले रहे हो भले प्राइम मिनिस्टर कहीं भी विदेश जा रहे हो घूम रहे हो कोई भी डील वगैरह कर रहे हो लेकिन उनको पार्लियामेंट में जवाब तो देना पड़ता है तो पार्लियामेंट में एक तरीके से क्या होता है डिबेट होता है डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन होता है किस चीज का जो डिसीजन यहां पर प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ठीक है फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनका यहाँ पे डिबेट्स एंड डिस्कशन होता है ठीक है यहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है तो बात कहाँ पर आती है बात आती है मीडिया में मीडिया में बात आई तो फिर बात कहाँ पे आएगी आपके टीवी चैनल पे और आपके टीवी चैनल पे बात आई तो आप सोचोगे कि सरकार कर क्या रही है जैसे हमारा चाइना के साथ में बहुत ज़्यादा कई बार स्टैंड ऑफ वगैरह होता है हमने देखा तो वो चीजें कैसी होती है यहाँ डिबेट एंड डिस्कशन हो जाता है मीडिया में बात आती है मीडिया से अपने घर में हम लोग चर्चा करते हैं तो एक तरीके से देखो तो भले ही डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा इनके पास में है लेकिन इनके पास भी बहुत सारी पावरफुल ये इनके पास भी पावर है और कुछ हद तक ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है डिबेट एंड डिस्कशन वाला जो है इससे सरकार को भी डर बना रहता है कि कभी भी पार्लियामेंट सवाल पूछ सकती है ठीक है पार्लियामेंट चाहेगी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कर देगी ठीक है अब वो ये बात है कि अगर सरकार के पास मेजोरिटी होगी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भले तुम पास कर दो लेकिन वो पास ही नहीं हो पाएगा भले तुम लोग इंट्रोड्यूस कर दो भले ही अपोजिशन इंट्रोड्यूस कर दे, लेकिन वो पास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार के पास मेजोरिटी है लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस तो कर सकती है ना पार्लियामेंट ठीक है समझ में आया ठीक सो ये आपको पार्लियामेंट का रोल ये वाला भी समझ में आया अब हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स की ठीक है प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है देखो एक प्लूरिस्टिक थ्योरी होती है डेमोक्रेसी की उसमें मत जाओ हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों के पास पावर होती है इस चीज़ को भी समझने की करो ट्राई टू अप्रिशिएट द पॉइंट क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स भी समझनी होगी क्योंकि जैसा कि हमारा एग्जाम है उसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि सिलेबस के अलावा हमें कुछ कुछ चीज़ें समझनी होगी रीड इन बिटवीन द लाइन्स वाली ठीक है अगर सिर्फ उससे स्टिक रह जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे ठीक तो डेमोक्रेसी में क्या होता है डेमोक्रेसी में पावर बहुत सारे लोगों के पास में होती है जो डेमोक्रेसी है उसमें पावर बहुत सारे लोगों के पास होती है बहुत सारे लोगों के पास में इन द सेंस सिटीजंस सबसे पहले हम ले लेते हैं कि सिटीजंस के पास में पावर है गवर्नमेंट सिटीजंस गवर्नमेंट है ना पार्लियामेंट 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 के बाद में किसके पास में पावर रहेगी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा मीडिया चैनल मीडिया के अलावा प्रेशर ग्रुप्स प्रेशर ग्रुप के अलावा हम देखते हैं बिजनेसमैन या बिजनेस लॉबी है ना बिजनेसमैन अब हमने देखा जैसे डेमोक्रेसी में आप देखो कि क्या पावर सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास में है क्या पावर सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास में है ऐसा नहीं है देखो गवर्नमेंट की कोई भी डिसीजन को इतने सारे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे सरकार को डर रहता है कि हमें कोई भी ऐसा लॉ ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो ठीक है नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर देगी तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है फिर सरकार जब कोई भी लॉज वगैरह बनाती है तो सरकार जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं जो एनजी हैं जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ठीक है एक प्रेशर ग्रुप से यानी एक सिविल सोसाइटी समझ लो कुछ लोग मिलकर आपस में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे कि हम कोई लॉ वगैरह लेके आएंगे तो ऐसा तो नहीं कि प्रोटेस्ट हो जाएगा बहुत बड़ी प्रोटेस्ट वगैरह जो हम देखते हैं ना लाइक जैसे फार्म लॉज आए तो उसमें प्रोटेस्ट हुआ तो वो क्या हुआ है? ये सरकार के डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो इनके पास भी पावर है ना एक तरीके से ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस किया गवर्नमेंट को बो गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि चलो आओ हम बैठ के बातें करते हैं हम इन सारी चीज़ों को सुलझा लेते हैं इन लॉज को कमेटी को दे देते हैं तो एक तरीके से इन ये पावरफुल हुए तभी तो सरकार इनके सामने थोड़ा बहुत झुकी ना ये हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि पावर इनके पास भी है मीडिया पावर इनके पास भी है इनसे भी कंसल्ट करना जरूरी है कंसल्ट इन द सेंस अगर कुछ भी चीज गड़बड़ हुई तो ये लोग लाइमलाइट में ले आएंगे बिजनेस लॉबी सरकार को फंड कौन करेगा सरकार को फंड ये करेंगे तो बिजनेसमैन से भी कंसल्ट करना होगा तो डेमोक्रेसी की एक प्लुरलिस्टिक थ्योरी है वो बोलती है कि पावर सिर्फ सरकार के पास नहीं होती पावर डेमोक्रेसी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बहुत सारे ग्रुप्स में बटी होती है जैसे पावर पार्लियामेंट में भी है पावर सरकार के पास भी है पावर सिटीजन के पास भी है पावर प्रेशर ग्रुप के पास भी है मीडिया सुप्रीम कोर्ट बिजनेसमैन और ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं सरकार को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ठीक है सो so, ये एक कॉन्सेप्ट है कि डेमोक्रेसी में पावर सबके पास में बटी होती है ठीक है ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई देन अब प्रेशर ग्रुप्स इनमें ये बोला गया है इन डेमोक्रेसी प्रोलरिस्टिक थ्योरी आर्ग्यू दैट स्टेट रिस्पॉन्ड टू वेरियस ग्रुप वो आर वोकल अबाउट देर इंटरेस्ट लाइक किसान यूनियन ठीक है अब प्रेशर ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी फॉरेन पॉलिसी वगैरह हो रही है तो इनको यहाँ पे इंडिया में भी देखना पड़ता है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हो जो यहाँ पे जो लोगों के जो ग्रुप्स हैं जो एन हैं ये सब एकदम भड़क कुट ठीक है थीके? इनको इंडिया में भी देखना पड़ेगा कि यहाँ लोगों में शांति तो बनी रहेगी तो ये भी फॉरन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं तो ठीक है फॉरन पॉलिसी में प्रेशर ग्रुप का प्रेशर ग्रुप का फॉर्मुलेशन इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है ठीक नाउ हम बात करते हैं रोल ऑफ बिजनेस ग्रुप अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लिखा है जिसको आप अपने में यूज कर सकते हो हिस्टोरिकली ट्रेड हैज फॉलोड फॉलोड द द फ्लैग बट फ्लैग्स हैव ट्रेड पहले हम देखते थे कि जिस देश के साथ में हमारे अच्छे संबंध होंगे जिस देश के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन होंगे हम उसी के साथ में ट्रेड करेंगे ये आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी है मैंने आपको पहले बताया था आइडियलिज्म फॉरेन पॉलिसी में तो अगर हम थोड़ा सा पहले जाए आज से हम आप समझ लो कि आज से हम तीस चालीस साल पहले चले जाए तो हम ये बात करते थे कि जिस देश से हमारे अच्छे संबंध होंगे हम उसी के साथ में ट्रेड करेंगे लेकिन आज हम क्या देखते हैं आज हम देखते हैं बट टूडे द ट्रेड बट आज हम देखते हैं कि भैया दोस्ती हो या नहीं हो लेकिन ट्रेड तो करना ही पड़ेगा वो वाली बात है ना बट टूडे द ट्रेड हमारा ट्रेड हो रहा है तो भले हमारी बिगड़ रही हो लेकिन हम सुधा कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है भैया आपस में बना लेते हैं या नहीं भी बनाते तो ट्रेड तो हम करेंगे इसका अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया और चाइना रिलेशन हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है बॉर्डर का डिस्प्यूट है ठीक है हमारी और उनकी नहीं बनती है जो भी हो लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के चक्कर में बिकॉज हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है वहां पर हमारा बहुत ज्यादा बिजनेस है वहां से ठीक है तो इसलिए और चाइना का भी है कि चाइना को इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट दिखता है सिर्फ इंडिया ही नहीं तो दोनों दोनों साइड से वही बात होगी ना चाइना भी इंडिया से बैर नहीं ले सकता सो so इसलिए अब यहां पे बात हो गई है कि अब ट्रेड पे ज्यादा फोकस है क्लियर है ये वाली चीज भी हमें समझ में आ गई दे इन्फ्लुएंस द एजेंडा सेटिंग ऑफ गवर्नमेंट मे ऑल्सो फैसिलिटेट इंटरेक्शन विद द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द अदर कंट्री मे इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग बाय बाय फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज बाय लॉबिंग विद गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज डायरेक्टली अब देखो ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना ये जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं अगर आपने देखा होगा तो ये लोग सरकार से मिलते रहते हैं कोई भी सरकार हो ठीक है क्योंकि सरकार को भी इनसे मिलना पड़ता है अब सरकार के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पॉलिटिकल फंडिंग हो सकती है पॉलिटिकल फंडिंग सबको पता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो कोई भी हो उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है इन्हीं कॉर्पोरेट ग्रुप से होती है और इन्हीं कॉर्पोरेट ग्रुप जब इनको फंडिंग करते तो गवर्नमेंट इनके एजेंडा को एक तरफ पुश करती है आगे ठीक है इनकी पॉलिसीज है इनको कहीं ना कहीं एक फेवर मिलता है और आगे पुश करती है ठीक बाकी गवर्नमेंट को इन जितने भी लीडर थे हो सकता है कुछ लोग इन्हें पॉलिटिकल फंडिंग नहीं दे रहे हो यह भी हो सकता है लेकिन ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के एक तरीके से इंजन है इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं इनके जो प्लांट्स वगैरह हैं ये देश के डेवलपमेंट में मदद करेंगे तो गवर्नमेंट को इनसे मिलना पड़ता है अब कई बार ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं ये लोग डायरेक्ट फॉरेन नेशन के जो मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं उनसे भी मिलते हैं ठीक है इन्वेस्टमेंट के तौर तो पे इन्वेस्टमेंट करना हो कुछ और अदर पॉलिसीज उनके साथ कोलाबोरेशन करना हो तो इन बिजनेस ग्रुप्स के हमारे देश के मिनिस्टर्स के साथ साथ फॉरेन में भी जो सरकार है उनसे भी अच्छे संबंध होते हैं प्लस इनकी पॉलिटिकल फंडिंग वही सरकार वाली बात है एंड देन बाय लॉबिंग विद द कंट्रीज डायरेक्टली ठीक है ये लॉबी अपना अपना एजेंडा सेट करते हैं और उस हिसाब से सरकार इनके हित में लेती है अच्छा ये एग्रीमेंट तुम इस कंपनी के साथ में कर लो ऐसा कर लो तो एक तरीके से ये लॉबिंग ही होती है सरकार को इन बिजनेस ग्रुप्स को भी देखना पड़ता है ठीक है आया ये बात समझ में और ये सिर्फ इंडिया का केस नहीं है ये पूरे वर्ल्ड का केस है ठीक है वर्ल्ड में जितनी भी एमएनसीज वगैरह हैं ये सब अपना अपना एजेंडा सेट करती है और गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग काम करती है ठीक है आया समझ में क्लियर जो हम कैपिटलिस्ट मॉडल पढ़ते हैं अब हम इसी को बिजनेस ग्रुप को ही हम रोल ऑफ बिजनेस ग्रुप को अगर हम प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट लिबरलाइजेशन में देखें तो अगर हम नाइनटीन 90 के पहले देखें तो इनका रोल एकदम बहुत कम था इंडिया वाज अडॉप्टिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी रेदर देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाज इंपॉर्टेंट पहले ये सब रोल था नाइनटीन नाइन्टी से पहले इन बिजनेसमैन ग्रुप्स का कोई रोल नहीं था है ना बेसिकली हम देखते हैं तो इंडिया ने एकदम क्लोज इकोनॉमी वाली सिस्टम था लाइसेंस राज सिस्टम था तो आपको लगता है कि फॉरन पॉलिसी में इन मिनिस्टर्स सॉरी इन बिजनेस का कोई रोल होगा बिल्कुल नहीं होगा लेकिन नाइनटीन नाइनटी के बाद देखते हैं ठीक है नाइनटीन नाइनटी के बाद में हम देखते हैं तो इनका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस बढ़ने लग गया क्योंकि इंडिया क्योंकि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी तो पोस्ट लिबरलाइजेशन इन बिजनेस ग्रुप्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लग गया इंडियन फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्लियर देन रोल ऑफ मीडिया अब मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है देखो कोई भी एजेंडा वगैरह सेट करना होना तो मीडिया एक बहुत बड़ा काम करती है मीडिया चाहे तो वो पब्लिक ओपिनियन को किसी भी तरफ घुमा सकती है ठीक है मीडिया ने अगर मन में ठान लिया है तो अगर सरकार गलत भी है तो भी मीडिया बोल देगी नहीं सरकार बहुत अच्छी और आप मानने भी लगेंगे और मीडिया ने अगर ठान लिया है कि सरकार अच्छा कर रही है और बोल दें कि सरकार बहुत बुरा कर रही है तो आपको आप मान ही लेंगे क्योंकि हम मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं हमें पता भी नहीं होता है और हम मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं है? ठीक है मीडिया एक्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बाय स्क्रूटनाइजिंग गवर्नमेंट ठीक है मीडिया को हम वॉच डॉग भी कहते हैं स्टेट यूजेज मीडिया एज ए टूल इन द हैंड्स टू बिल्ड ठीक है मीडिया सरकार से क्वेश्चन करती है सवाल जवाब करती है और उस हिसाब से मीडिया एक अपना एजेंडा फिक्स कर दिए और जो सरकार होती ना कोई भी सरकार हो यहाँ की हो बाहर की हो वो सबसे ज़्यादा कोशिश करती है कि वो मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सके मीडिया को अपने फेवर में कर सके ठीक है क्योंकि वही वाली बात बताई क्योंकि मीडिया एक हेजेमनी का रोल प्ले करता है हेजेमनी मतलब मीडिया हमारे ऊपर एक कंट्रोल एक पावर स्टैब्लिश कर रहा है जो हमें पता भी नहीं है और हम मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है आज ही अगर आप मान लो कि न्यूज़ आने लग जाए कि कोविड में पाँच लाख लोग मरे हमने रिपोर्ट में ये देखा सरकार ने छुपाया है अगर तीन चार मीडिया चैनल वाले ये बात कर दिया तीन चार जैसे द हिंदू वगैरह में ये सारी चीज़ें आने लग जाए तो आपके मन में क्या इमेज आएगी आपके मन में आएगी नहीं भैया सरकार ने घपला किया है और अगर वही सरकार कोशिश करे कि मीडिया को अपने फेवर में करने की और वो बहुत तारीफ तारीफ करे तो उस हिसाब से मीडिया सरकार की एक अच्छी छवि भी बना देती है तो मीडिया को हमेशा कोई भी गवर्नमेंट हो फॉरन कंट्री की हो वो कोशिश करती है कि मीडिया हमारे फेवर में हो ठीक नाउ मीडिया को भी अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें प्री लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन ठीक है पेड और ओन बाय द गवर्नमेंट प्रिंट मीडिया वॉज फ्री बट रीच वॉज लिमिटेड पहले हम देखते थे कि ये जो रेडियो और जो दूरदर्शन टीवी पहले इतनी ज़्यादा मीडिया हाउसेज भी नहीं थे और ज्यादातर उनको गवर्नमेंट कंट्रोल थे जैसे गवर्नमेंट वाले चैनल ज्यादा थे लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो क्या होता है आज के टाइम में बहुत सारे प्राइवेट चैनल हैं सोर्स ऑफ रिवेन्यू इज़ इंक्रीज देयर ऑटोनॉमी इज इंक्रीज आज के तारीख में बहुत सारे मीडिया चैनल हैं उनके रिवेन्यू के वो सोर्सेज देखते हैं ठीक है उनकी ऑटोनॉमी भी इंक्रीज हो गई है पहले इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी भी नहीं थी मीडिया को. ठीक है आज की तारीख में मीडिया को ऑटोनॉमी तो तो है ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि उन्हें उन्हें जो दिखाना होता होता है 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 वो वो दिखा देते हैं ठीक है? अपने हिसाब से और जो उन्हें एजेंडा सेट करना होता है, वो कर स्टेट डिग्री ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिकलिस रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड मीडिया हाउसे वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया कि ये कंसेंसस बनाने का काम करती है मीडिया कोशिश करती है कि अगर मान लो लोगों में दंगे वगैरह हो सकते हैं तो क्या करेगी मीडिया तो मीडिया कोशिश करेगी इस माध्यम से नई नई सरकार बहुत अच्छा कर रही है करी तो है कंसेंसिस आपसी सहमति बनाने का भी मीडिया काम करती है अब यहाँ पे आएगा थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग जो आपको मजा आएगा डिस्पाइट सो मैनी स्ट्रक्चरल चेंज द मीडिया इज येट टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्क्रूटेनाइजिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ फॉरन पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट रीजन क्या है अब यहाँ पे ये यह बताया गया है कि हम भले कितनी भी बात कर ले कितना भी ढोल नगाड़ा पीट ले कि मीडिया ये ये काम कर रही है लेकिन फॉरेन पॉलिसी में मीडिया ने आज तक इंडिया की बात कर रहे हैं हम अभी इंडिया में मीडिया ने कोई इतना बड़ा योगदान नहीं दिया है क्यों नहीं दिया है उसका रीजन जानते हैं इट लैक्स बिजनेस मॉडल फॉर इंटरनेशनल कवरेज दे हैव फ्यू और नो करेस्पॉन्डेंट इन फॉरन कंट्रीज ऑन की फॉरन पॉलिसी डिसीजन एंड नेशनल सिक्योरिटी इशूज रिलेटेड कवरेज द मीडिया हाउजेज लार्जली रेयली रिलाय अपॉन एक्स डिप्लोमेट एक्स मिलिट्री पर्सनल मीडिया वॉट इट वॉन्ट द कवरेज ऑफ एनी फॉरन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ठीक है अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना उसको प्रैक्टिकल लाइफ से समझने की कोशिश करो आपने न्यूज चैनल पे डिबेट्स वगैरह देखी होगी तो किस मुद्दे पर डिबेट होती है आप ये बताओ कोई भी मुद्दा जो होता है वो एकदम इंटरनल होता है और कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं कि एकदम हंसी आ जाती है ना आप मीडिया की अब जब तैयारी करोगे तब तो पता चलेगा कि वो किस लेवल की डिबेट करते हैं आपने देखा है कि फॉरेन इश्यूज पे डिबेट कर रहे हैं वो जो थोड़ा बहुत जो करते हैं कि ट्रंप आ गया वो वहाँ गए बस इन्हीं पर इन्हीं पर करते हैं बस इसके अलावा कोई ऐसे कोई इंपॉर्टेंट ट्रीटी कोई एग्रीमेंट पर आपने डिबेट देखी है नहीं देखी ठीक इसके अलावा उनको और भी कोई डिबेट करनी होती तो वह किसको बुलाते हैं जो एक्स मिलिट्री ऑफिशियल्स रह चुके हैं तो जो एक्स मिलिट्री ऑफिशियल रह चुके हैं वो उनको गवर्नमेंट का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको बता देते हैं या एक्स मिलिट्री ऑफिसर से एक उनकी भी मर्यादा होती है तो वो ज़्यादा खुल के बोल नहीं पाते हैं ठीक है सो so, और मीडिया हाउसेस का बिजनेस नहीं है जैसे हम देखते हैं कि अब जैसे मान लो कि स्विट्जरलैंड में कुछ हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ की कोई मीडिया हाउस का वहां कोई पर्सन होगा जो सारी चीजें देखेगी तो उनका इंटरनेशनल कोई बिजनेस नहीं है इंडियन मीडिया का ठीक इसके बाद में हम देखते हैं इसीलिए आई पी ऑफिसर बोलते हैं जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो ऑफिसर्स होते हैं वो ये प्राइड लेते हैं कि मीडिया को तो हम जो बोलेंगे वो वो मान ही जाएंगे वो क्यों बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है मीडिया तो अपने हाथ में मीडिया के बाहर कोई सोर्सेज नहीं है मीडिया बस यहाँ की जो फालतू के जो यहाँ के जो इश्यूज होते हैं ना उनमें डिबेट करवाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है ठीक है फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आर रेदर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट टू बी प्रेजेंटेड इन इंडिया ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिविजन विच रेगुलरली होल्ड प्रेस ब्रीफिंग टू इन्फॉर्म मीडिया ऑफ की फॉरन पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट अब तो आपने देखा होगा एम ई e. में बार बार प्रेस ब्रीफिंग होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ क्या नहीं हुआ तो बस जो उन्होंने बोल दिया मीडिया ने जो एक आध जो सवाल ले लिया बस वो हो गया बस कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट कोई हिस्ट्री में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो इसका हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडियन मीडिया का फॉरेन पॉलिसी में देखो तो बहुत कम रोल है और एम ई e. जो चाहती है वो यहाँ पे छप जाता है वो यहाँ आ जाता है सिर्फ कुछ एक मीडिया हाउसेस को छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें उस हिसाब से ही होती है न रोल ऑफ पी एम ओ इन इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन फॉरन पॉलिसी द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन फॉरन पॉलिसी हैज रियली इन वोट दंसेंसेज बीन लार्जली डोमिनेटेड बाय पी एम ओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बहुत ज्यादा रोल रहता है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रोल रहता है ठीक है नेहरून एरा में देखो तो नॉन अलाइनमेंट देख लो ठीक है फिर इंदिरा गांधी के एरा में देख लो तो बांग्लादेश में अगर हम देखें कि मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ ठीक है हमने एक बांग्लादेश एक अलग कंट्री बनवाई पाकिस्तान को जो पाकिस्तान ईस्ट वेस्ट में जो डिवाइडेड था, था तो हमने बांग्लादेश बनवाया ठीक है साइनिंग ऑफ पीस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप रशिया के साथ में देन गुजराल डॉक्टरिन देन आज के अगर हम पी की बात करें तो यहाँ पे भी पी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरन पॉलिसी को इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिकली भी नहीं होती है फॉरन पॉलिसी जितना कि आप सोच रहे हो ठीक है नाउ हम बात करते हैं रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ठीक है, है ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की फोटो है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का क्या रोल रहता है इनका भी रोल रहता है फॉरेन पॉलिसी में इसे देखते हैं देर वॉज एन इंटेलिजेंस एबसेंस ऑफ वार इन नाइनटीन सिक्सटी टू एंड नाइनटीन सिक्सटी फाइव फॉलोइंग दिस द रिकमेंडेशन वेयर कमिंग फॉलोइंग दिस द रिकमेंडेशन वेयर कमिंग

सिक्योरिटी वर्ल्ड मेंशन है तो इनका काम होता है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है ठीक है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं उनका काम होता है कि फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की सिक्योरिटी वाला एजेंडा देखना है यहाँ पे ऐसा गया कहा गया कि जब वार हुआ था जैसे चाइना और पाकिस्तान और इन सबके साथ में तो हमने देखा था कि ऐसे ऐसा एस सच कोई था नहीं जो बताने वाला जो पहले से ऐसी इंटेलिजेंस जो प्रिडिक्ट कर ले कि ऐसा कुछ होने वाला है तो ऐसा लगा कि ये होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है फिर आप जैसे रॉ वगैरह ये सारी चीज़ें देख रहे हो ये सारी चीज़ें होना बहुत

ये वाली चीज भी हुई आपको क्लियर नाउ रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अब मिनिस्ट्री का रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का तो सबसे ज्यादा रोल होगा क्योंकि बेसिकली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो डील करेंगे कि क्या काम चल रहा है देश दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है क्या डिसीजन लेने लेकिन सिर्फ अकेले फॉरन मिनिस्टर नहीं होते आप ये सारे देखते आए हैं कि पीएमओ हो चाहे कैबिनेट हो चाहे पार्लियामेंट हो सबका इन्फ्लुएंस होता है एम ई इज़ एक्सपेक्टेड एंड कंसिडर्ड द डिज़ायरेबल दैट एम ई ए मस्ट प्ले अ प्रो एक्टिव रोल इन फॉरन पॉलिसी फार्मूलेशन ठीक है ये एक एक्टिव रोल प्ले करती है फॉरन पॉलिसी फार्मूलेशन में आई एफ एस आई एफ एस ऑफिसर इनके अंडर में होते हैं ठीक है जो एम्बेसीज़ वगैरह होती है इनके सेक्रेटरीज जो होते हैं एम ई ई के अंदर सेक्रेटरीज होते हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं जैसे हर मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में भी सेक्रेटरी होंगे ठीक है और भी जो हम देखते हैं फूड प्रोसेसिंग हो कोई भी हो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देख लेते हैं एजुकेशन देख लेते हैं तो सब में जो सेक्रेटरीज होते हैं वो उसी काम में लगे रहते हैं ना तो एम जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ठीक है एम -E जो मिनिस्ट्री है उसका काम क्या होगा उस उनके सेक्रेटरीज का भी बेसिकली ये काम होगा कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ों को देखना है तो अगर हम एम ई ए को देखें तो ये ट्वेंटी फोर डिविजन्स में बटी हुई है जैसे बारह टेरिटोरियल डिविजन्स होते हैं डिवीजन्स वेच लुक फॉर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस अब इनका काम ये होता है कि कुछ जो ऐसा समझ लो कि कुछ कुछ जो डिविजन्स होते हैं कुछ जो सेक्रेटरीज़ वगैरह होते हैं वो लोकेशन वाइज चीजों को देखते हैं जैसे ईस्ट एशिया में क्या चल रहा है ठीक है मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है वो लोकेशंस पे ध्यान देते हैं और जो कुछ जो होते हैं वो किस पे ध्यान देते हैं वो डिफरेंट फंक्शन देखते हैं लाइक यूएन में क्या प्रोसीडिंग्स चल रही है यूएन में भी हम देखते हैं ना इंडिया को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है डब्ल्यूटीओ में वर्ल्ड बैंक में तो ये सारी चीज़ें बारह फंक्शन ऐसे डिविजन्स होते हैं ठीक है ये एक ब्रीफ है ये आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कितने डिविजन्स होते हैं कितने नहीं होते हैं बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने ऐसा होता है तो इसको भी आप नोट मत कीजिएगा आप मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है बस मैंने आपको एक ओवरऑल एक थोड़ा सा ज्यादा पता होना चाहिए उस मैंने इस चीज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है आप लोगों के लिए देन रोल इवेल्यूएट द रोल ऑफ एम ई ए हमने देखा कि अब एम ई ए में बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है जैसे आई एफ एस ऑफिसर की शॉर्टकमिंग है ठीक है हमने इंडियन फॉरन सर्विसेज जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं जो रॉ एजेंट्स हैं इनकी बहुत ज्यादा शॉर्टकमिंग्स है तो हमें यहाँ पे वेकेंसी जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं जो भी इनकी शॉर्टकमिंग्स है जो वेकेंसीज हैं इन्हें पूरी करनी चाहिए और ये वैकेंसी वाला फिनोमिना अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम हर जगह देखते आ रहे हैं चाहे आई एफ एस चाहे आई ए एस ऑफिसर हो चाहे जजेस हो हम हर जगह देखता रहा है, पता नहीं इंडिया में एक तो वैसी रोजगार नहीं हो पर इतनी परिंग रिलेटेड पॉलिटिकल क्लास, ठीक है? अब इनका किसी पॉलिटिकल क्लास से एसोसिएट होना इन आईएफएस ऑफिसर का ये इनको वो नहीं देता इन्हें गवर्नमेंट का एजेंडा लेके आना कोई पॉलिटिकल क्लास का नहीं थना प्लस लिंग्विस्टिक वाली चीजें जैसे कोई अफ्रीकन नेशन में किसी की पोस्टिंग हुई तो उसकी उसको वहाँ की भाषा नहीं आती ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इशू है ठीक है जैसे अफ्रीकन वगैरह में मिडिल ईस्ट में तो कई जो रहते हैं उनको भाषा नहीं आती लेकिन यहाँ पे जो है इस पर चाइना पे हमने बड़ा फोकस किया है हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं उनको ये चाइनीज वाले बड़े बहुत सारे हैं हमारे पास में जिन्हें चाइनीज़ की जो लैंग्वेज आती है जो चाइना की जो लैंग्वेज है वो उनको अच्छे से आती हो ठीक है तो यहाँ पे हमारी थोड़ी समझदारी है तो चाइना के मामले में अगर हम देखें तो शॉर्टेज भी नहीं है लैंग्वेज के उसमें देखते हुए लेकिन कुछ अफ्रीकन नेशंस वगैरह हैं वहाँ पे यहाँ के इन लोगों को ऑफिसर्स को लैंग्वेजेस वगैरह नहीं आती तो वहाँ पे डील करने में भी प्रॉब्लम होती है तो इन सब को ठीक करना चाहिए गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि ये सारे इशूज़ को ठीक हो सो दैट बेटर फॉरन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो ठीक है आई होप आपको ये सारे इंस्टीट्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि फॉरेन पॉलिसी के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं और फॉरेन पॉलिसी जब फॉर्मुलेट होती है तो इन इंस्टीट्यूशन का कहीं ना कहीं किसी का थोड़ा सा रोल रहता है किसी का ज़्यादा रोल रहता है ठीक है लेकिन फॉरेन पॉलिसी इतने सारे लोग कहीं ना कहीं उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जब भी कोई पॉलिसी बन रही है तो इतनी सारी चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी हमने कैबिनेट देखा ठीक है हमने पार्लियामेंट देखा ओके देन हमने प्रेशर ग्रुप्स देखा बिजनेस लॉबिंग देखा देन हमने किसकी बात की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पी एम की बात करी मीडिया की बात करी ये सारे लोग कहीं ना कहीं फ़ॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी हमारे फॉरेन पॉलिसी की जितनी भी ये जो लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हुए हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशंस पे आएंगे लाइक इंडो बांग्लादेश पाकिस्तान से चाइना से श्रीलंका से अमेरिका से हम अब रिलेशंस की बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी के जितने भी लेक्चर्स थे जो भी मुझे आपको फॉरेन पॉलिसी में बताना था वो ये वाली चीज़ें हम कवर कर चुके हैं अब हम डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री हमारे रिलेशन डिस्कस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ठीक है आई होप आपको सारी चीजें अब तक समझ में आई होगी तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद